सब्सक्राइब करें टेक्निकल हेल्प रास्ता चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल हेल्प रास्ता के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है कृष्णा और दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने नॉन स्किपेबल ऐड के लिए अप्लाई किया था तो आपका जो है ऐड बंद हो गया होगा, आपके चैनल पर जो है वीडियोज़ पर ऐड नहीं आ रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आपने अप्लाई किया था और आपका ऐड बंद हो गया है तो उसे कैसे चालू करना है आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ। आपका ऐड जो है स्टार्ट हो जाएगा केवल 10 से 15 मिनट के अंदर। तो दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं कैसे इसे स्टार्ट करना है, कैसे अपने वीडियोस पर ऐड लाना है फिर से वापस, तो ये वीडियो आप लास्ट तक का देखते रहिए। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने YouTube चैनल पर लॉगिन हो जाइए। अगर आप मोबाइल में हैं तो आप डेस्कटॉप मोड कर लीजिए, फिर उसके बाद आप चैनल के आइकन पर क्लिक कीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्रिएट स्टूडियो पर क्लिक करना है। क्रिएट स्टूडियो पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं क्रिएट स्टूडियो पर, और फिर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है दोस्तों डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो हमारे भी वीडियो पर ऐड बंद हो गया था, तो यहाँ पर चैनल पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने चैनल पर क्लिक किया, फिर इसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। आप स्क्रॉल करके नीचे आइए, यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनिटाइजेशन का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको व्यू मोनिटाइजेशन सेटिंग पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको एसोसिएट एडसेंस अकाउंट पर क्लिक करना है। आप इस पर क्लिक कर लीजिए, फिर उसके बाद दोस्तों आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा नया पेज ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से ओपन होगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं चेंज का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आप चेंज पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर जो है नया पेज ओपन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं क्या ओपन होता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो अकाउंट होगा वो आ गया है। तो आपने जिस एडसेंस अकाउंट से अपना लिंक किया है उसी ईमेल आईडी को लॉगिन कीजिए जिस ईमेल आईडी से एडसेंस अकाउंट बनाया है। तो दोस्तों वो ईमेल आईडी आप लॉगिन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं मैंने क्लिक करके लॉगिन कर लिया है। और दोस्तों आपको ध्यान देना है उसी ईमेल आईडी से लॉगिन करना है, दूसरा ईमेल आईडी मत लॉगिन कीजिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको एक्सेप्ट एसोसिएशन पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर रीडायरेक्ट के लिए बोला है, रीडायरेक्ट पर आप क्लिक कर दीजिए। फिर दोस्तों देख सकते हैं मैं इस पेज पर वापस आ गया हूँ, तो हमारा जो है रीडायरेक्ट हो गया है। तो दोस्तों अब आपके वीडियोस पर ऐड आने चालू हो जाएंगे, ये ऐड लगभग 15-20 मिनट के बाद आपका चालू हो जाएगा। तो दोस्तों आप अपने एडसेंस में जा कर के देखते थे तो आपका वहाँ पर CPC क्लिक इंप्रेशन कुछ भी आपको शो नहीं हो रहा था। तो आप 15 से 20 मिनट के बाद आप जाइए और एडसेंस में चेक कीजिए, आपका जो है सब शो होने लगेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप अपने वीडियोस पर ऐड ला सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल, तो आप ये वीडियो अपने फैमिली दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियोस का लाभ ले पाएँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पर लाइक और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।